ओम नमः शिवाय। लाइफ में पैसा आ गया, लाइफ में इज्जत आ गई और लाइफ में बहुत सारा प्यार भी आ गया, लेकिन अभी एक नया टेस्ट आ रहा है कि आपको पावर बहुत चाहिए। बिजनेस करते हैं तो आपके मन में आता है कि मेरे इम्प्लॉयज मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत क्यों नहीं करते, मेरे से घबराते क्यों नहीं है, मेरे क्लाइंट्स में मेरा दबदबा नहीं है, मैं कहीं से भी निकलूं लोग कहें कि आइए आइए, हाँ जी। तो एक जो पावर डिस्प्ले आप चाहते हैं वो नहीं आ रहा। दूसरा, हमारा एक दिमाग में बात आती है कि हमारा मोमेंटम एकदम चलता रहे, रुके नहीं। तो मैं जो उपाय आपको बता रहा हूं, बहुत आसान उपाय बता रहा हूं कि घोड़े, उनकी तस्वीरें, उनकी मूर्तियां कैसे हमारी जिंदगी में पावर और मोमेंटम लेकर के आ सकती है। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्यों आप इस प्रकार की मोमेंटम अपने अंदर लेकर के आ सकते हैं घोड़े की तस्वीर से। आप जब भी जो देखते हैं वो हमारी लाइफ में आने लगता है। घोड़ा जो है शुरू से पावर का सिंबल रहा है। आपने देखा होगा माइथोलॉजिकल सीरियल्स में, माइथोलॉजिकल मूवीज में, या जो भी हिस्टोरिकल मूवीज होती हैं। आजकल तो टीवी का जमाना है, इसीलिए ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूं कि घोड़े जो होते थे वो मिलिट्री यानी कि जो फौज होती थी उनका एसेट माने जाते थे, कि किस आर्मी के पास कितने हॉर्सेज हैं वो आर्मी उतनी बड़ी मानी जाएगी। तो ये हमारी वेल्थ के सिंबल है। पावर, घोड़े से पावरफुल जानवर नहीं है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दौड़ता रहता है और थकता नहीं है। दूसरे बाकी जानवर आप देख लीजिए, बहुत नाजुक होते हैं और दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। हम जंगली जानवरों की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल पेट्स में बात कर रहे हैं, जो कि इंसान अच्छे तरीके से अपने साथ एक वेल्थ की तरह रख सकता है, उनको प्यार कर सकता है और उनके साथ एक घर वाला माहौल क्रिएट कर सकता है। जानवर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर इनोसेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी इनोसेंस को हमने यूज़ करना है अपने गुड लक के लिए। तो आपने क्या करना है, घोड़े की तस्वीर लगानी है। बट ये मैटर करता है कि घोड़े कहाँ लगाने हैं, क्योंकि मेरी विजिट्स के दौरान सबसे पहले हाउसवाइफ का यही क्वेश्चन होता है, सर मेरे हस्बैंड का, सर मेरे मिस्टर का जो बिजनेस है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी लैंग्वेज जो होती है वो आपकी जगह को बता देती है। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र, और हर जगह जाते हैं तो उसी प्रकार अपने हस्बैंड को सब जो लेडीज़ हैं अलग अलग तरीके से बोलती हैं, बुलाती हैं। तो आपके घर में बिजनेस कम है, पावर कम है, रिस्पेक्ट कम है, मोमेंटम कम है, तो आपने घोड़े पश्चिम दिशा में लगाने हैं और उत्तर पश्चिम दिशा में लगाने हैं। घोड़े का फेस दरवाजे की तरफ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घोड़ा जो है अपने आप में पावरफुल दिखना चाहिए, उसकी जो लुक्स हैं वो डल नहीं होनी चाहिए, घोड़े की जो पैर हैं वो कटे हुए नहीं होने चाहिए, फुल लेग्स होनी चाहिए। गैलपिंग मुद्रा में यानी कि जो घोड़ा दौड़ते हुए मुद्रा में होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो आपने घोड़े की तस्वीर लगानी है या मूर्ति लगानी है जो कि एकदम स्ट्रांग हो, मजबूत हो। इसके साथ साथ आपने घोड़ा कहाँ नहीं लगाना, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि घोड़े कितने लगाने हैं, तो आपने बने रहना है। और साथ साथ मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं, इतनी दिलचस्प विजिट्स रह रही हैं मेरी, इतनी इंटरेस्टिंग रह रही हैं कि जैसे मैं पहले ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड ट्रेवल करता था, प्रोफेशनली ट्रेवल करता हूं, लेकिन आप लोग उसे लाइव देख नहीं पाते थे। कई लोग मुझसे तब भी पूछते थे, काफी लोगों ने पूछना शुरू किया था कि सर क्या आप विजिट भी करते हैं, तो मुझे तो कई डिकेड्स हो गए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 decades हो गए कि मैंने बहुत छोटे घरों में भी विजिट करी, बड़े घरों में भी करी, फैक्ट्रीज
तो आजकल ज़रूरत है विजिट्स की, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो आ रहा हूँ मैं, एक ऐसा व्लॉग है जिसमें मैं आपके घर आऊँगा, आपको घर की वास्तु बताऊंगा और आप उस घर को ठीक करेंगे। तो इसको आप भी देखिए, आप भी मुझे बुलाइए, पार्ट लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग शो है ये। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि घोड़े, घोड़ों की तस्वीर, घोड़ों की मूर्ति कहाँ नहीं रखनी है आपको। आपको अपने बेडरूम में नहीं रखनी है, आपको अपने स्टडी रूम में नहीं रखनी है, आपको अपने मंदिर में नहीं रखनी है, आपको अपने डाइनिंग एरिया में नहीं रखनी है। तो घोड़े आपको लिविंग एरिया में रखने हैं, पश्चिम या उत्तर पश्चिम में रखने हैं, आप गैलरी में रख सकते हैं, लॉबी में रख सकते हैं, सिटिंग एरिया में रख सकते हैं, प्ले एरिया में रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन जहां आपको रेस्ट चाहिए, जहां आपको ट्रांक्विलिटी चाहिए, वहां घोड़ों की तस्वीरें आपने नहीं रखनी है। अब बात आती है कि घोड़े कितनी गिनती में होने चाहिए। घोड़े दो की गिनती में हो सकते हैं और सात की गिनती में हो सकते हैं। तो सात तो बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है और दो भी जोड़ा माना जाता है। कहते हैं जो जोड़े में चलता है ना, वो कभी थकता नहीं है, और जो ग्रुप में चलता है वो भी कभी थकता नहीं है, क्योंकि जरा सी परेशानी हुई तो हर कोई हमें हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। तो मैंने आपको घोड़े की तस्वीर से वास्तु को ठीक करना बताया। तो आप भी कीजिए और अपने जीवन में खुशहाली लेकर के आइए। लेकिन जो मेरा नारा है कि खुशियां बटोरिए और खुशियां बांटिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय।